नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर जीआरपी थाने की पुलिस ने दो शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान फेकन मंडल पुत्र बेचन मंडल निवासी महाराजपुर नया टोला पोस्ट कल्याणी थाना तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड, दूसरा मोहम्मद समयुल शेख पुत्र अब्दुल रौफ निवासी कालियाचक नई बस्ती थाना कालियाचक जिला मालदा पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है, जिनके पास से 60 मोबाइल को बरामद किया गया है। एसपी जीआरपी ने बताया कि रेलवे स्टेशन व ट्रेनों के अतिरिक्त आजमगढ़ मऊ बड़हलगंज व मोहम्मदाबाद में भीड़ व बाजार में इनके द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर इनके द्वारा आम जनमानस की मोबाइल चोरी कर काफी संख्या में मोबाइल इकट्ठा होने पर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल के मालदा में बेचा जाता है। वहां से चोरी की मोबाइल बांग्लादेश भेजी जाती है, जिसके कारण चोरी की मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस ना हो सके, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी प्रभारी विजय प्रताप सिंह, विनोद कुमार राय, उपनिरीक्षक रामदयाल यादव, जितेंद्र यादव, संजय यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज प्रातःकाल हमारे जीआरपी के और सर्विलांस हमारी क्यूआरटी टीम चेकिंग कर रही थी। उसी बीच ये सूचना मिली कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर कुछ लोग नरकटियागंज होकर के मालदा जाने के फिराक में हैं और उनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं हो सकती हैं, जिस पर उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से 60 मोबाइल फ़ोन जो मांगे हैं, लगभग करीब 15 लाख रुपए उनकी कीमत होगी, उनके पास से बरामद किया गया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि एक जो उसमें फेकन मंडल है उसके ऊपर 3 मुकदमे कायम हैं बड़हलगंज में, और अभी जनवरी महीने में वो जेल गया था और उसके पास से 24 मोबाइलें बरामद हुई थी। दूसरा जो व्यक्ति है समयुल शेख है, ये मालदा कराने वाला है और ये दोनों मिलकर के चोरी करते हैं और आजमगढ़ मऊ मोहम्मदाबाद बड़हलगंज यहाँ से चोरी करते हैं और कराते भी हैं, इसके अलावा ट्रेनों में चोरी करते हैं। तो ये दोनों लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 15 लाख के करीब मूल्य की 60 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अब इसके बाद हम आगे पता कर रहे हैं कि ये कहां कहां से चोरी हुई है, कैसे हुई है, इसमें टाइम लगेगा और जैसा भी होगा उस तदनुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।